नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। और आज की ये विज्ञापन मैं आपको सामने बताने जा रहा हूँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक स्टेट लेवल के संविदा पद जो है वो निकले हुए हैं और किस प्रकार से पूरा विज्ञापन है मैं आपको इसी वीडियो में बताने की कोशिश करूँ। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत संविदा आधार पर राष्ट्रीय राज्य स्तरीय संविदा पदों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। अनुबंध जो है 31 मार्च 2023 तक के लिए होगा। आगामी वर्षों के लिए वार्षिक कार्य योजना में इसे स्वीकृत कर लिया जाएगा, नवीनीकृत किया जा सकता है। इसमें कंसल्टेंट है वायरल डिजीज, NVBDCP, ये पद का नाम है, पोजीशन है, पद की संख्या 1 है। 45,000 रुपये प्रतिमाह यहाँ पे दिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जूलॉजी और लाइफ साइंस, या तो आप जूलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट MSc हो या MSc इन लाइफ साइंस आपको होना आवश्यक है। एसेंशियल कंप्यूटर्स क्वालिफिकेशन PGDCA DCA वगैरह हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंप्लीमेंटिंग वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल स्ट्रेटजीज, मैनेजिंग वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम्स। डिजायरेबल क्या रहेगा, कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ वायरल डिजीज अंडर NVBDCP शेल बी गिवन प्रेफरेंस। कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन हेल्थ प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड ट्रेनिंग शेल बी गिवन प्रेफरेंस। यदि आप MSc जूलॉजी में हो या MSc आपका लाइफ साइंस में हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंसेक्ट कलेक्टर, ये NVBDCP, ये एक प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत 15,000 रुपये प्रतिमा एक पद है और ऊपर वाला भी एक ही पद है। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 PCB से होना, PCB से 10+2 हो, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में एसेंशियल होना चाहिए। PGDCA और DCA भी हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। स्टेट कंसल्टेंट CPSC एक पद है, 45,000 रुपये प्रतिमा। BDS होना, BAMS या BSc फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप हो तो यहाँ पर एलिजिबल हैं। 2 वर्ष का फुल टाइम मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ MPH हो, 2 साल का मास्टर ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ केयर मैनेजमेंट या हेल्थ मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि मान्यता प्राप्त तो संस्थान रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी देखिएगा। 2 ईयर फुल टाइम MBA इन एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 2 ईयर फुल टाइम PGDM हेल्थ मैनेजमेंट या हेल्थ मैनेजमेंट में या फिर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में होना है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस 3 साल का एक्सपीरियंस आपका चाहिएगा पब्लिक हेल्थ सेक्टर में या प्लानिंग कोऑर्डिनेटर मॉनिटरिंग एंड हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग एट स्टेट लेवल। डिजायर्ड स्किल्स प्रोफिशियंसी इन MS ऑफिस आपको होना अनिवार्य है। स्टेट कंसल्टेंट IT IRTS कुल पद की संख्या है 45,000 रुपये प्रतिमा। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्यूटर साइंस या MSc कंप्यूटर साइंस हो या फिर MCA हो तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। BBTech CSIT इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से हो तो भी आप लोग यहां पर आवेदन कर सकते हैं। एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस रहेगा 3 साल का अनुभव IT डोमेन, कॉल सेंटर एप्लीकेशन या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, GPS बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम या कॉल सेंटर इन एनी रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन। डिजायरेबल वर्क एक्सपीरियंस प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द दोस्त हैविंग एक्सपीरियंस इन इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम रिलेटेड टू द गवर्नमेंट सेक्टर। आवेदन sams.co.in से होंगे। आप आवेदन के लिए 28/9/2022 से अंतिम तिथि 27/10/2022 तक आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा। उपरोक्त संविदा रिक्त पद हैं और शैक्षणिक योग्यता अनुभव अन्य विवरण नियम पुस्तिका sams लिमिटेड के वेब पोर्टल पर उपलब्ध हैं और निर्धारित प्रारूप में नहीं होने पर अपूर्ण आवेदन स्वमेव निरस्त कर दिए जाएंगे। अंतिम तिथि से प्राप्त के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मिशन संचालक किसी भी आवेदन को बिना कारण बताए स्वीकृत अथवा भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार रखेगा। तो मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो दोस्तों, ये पूरी विज्ञप्ति थी, मैंने आपको बताई। स्टेट लेवल के पद हैं, कोई 12वीं से 12th हो तो वो भी आवेदन कर सकता है इंसेक्ट कलेक्टर के लिए। और अन्य जो पद हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट MSc जूलॉजी हो, BDS BAMS हो और वर्क एक्सपीरियंस हो तो भी आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की नोटिसेज और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप बने रहिए नोटिफिकेशन ऑफ MP परिवार के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, उससे जुड़कर आप इससे भी बेहतर और अच्छी जानकारियाँ वहाँ पर उपलब्ध रहती है। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करें, यही मेरा आपसे सजेशन है। और इसी प्रकार के नोटिसेस के लिए बने रहिए नोटिफिकेशन ऑफ MP परिवार के साथ में। जय हिंद।